तो एसएससी एमटीएस के इस सवाल को लगाने में 95% स्टूडेंट्स फेल हो जाएंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। यदि आप यह सवाल 10 सेकंड तक देख कर आप लगा लिए तो मैं मान जाऊंगा आप लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं, कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए हम आपको बताते हैं, सबसे पहले जब कोई स्टूडेंट इस सवाल को देखेगा ना, तो सबसे पहले क्या करेगा, इससे यह हिलाएगा या तो इससे यह हिलाएगा, और फिर इससे यह हिलाएगा या तो इससे हिलाएगा। तो देखिए जिस लेवल का एग्जाम है उसी लेवल का हमें सोचना भी है, क्या उसी लेवल से हमें सोचना भी है। एसएससी एमटीएस का एग्जाम है तो हमें उसी हिसाब से सोचना है। देखिए तीन मतलब बॉक्स बने हैं, तीन बॉक्स में करके आ सकता है तो कर सकता है। पहली बात तो कभी भी इस प्रकार का सवाल देखिए, सबसे पहले आपको जोड़ना है, जितने भी अंक उनको जोड़ना है। तीन और चार कितना होता है, सात, सात सात कितना होता है, चौदह, चौदह में हम आठ जोड़ेंगे कितना होगा, बाईस होगा। क्या टोटल यहाँ पर बाईस आ रहा है, क्या बाईस आ रहा है, आगे देखते हैं बाईस इसमें आएगा तो सही, नहीं तो कुछ और सोचेंगे। देखिए पांच और दस कितना होता है, पंद्रह, पंद्रह और पांच कितना होता है, बीस, बीस दो कितना होता है, बाईस होता है, क्या बाईस, यहाँ पर भी बाईस आ गया, यहाँ पर भी बाईस आ गया। मतलब जितने भी चारों खाने हैं उनको जोड़ना है, जितने भी अंक हैं उनके। अब देखिए इसमें भी जोड़ते हैं, तीन सात कितना होता है, दस होता है, दस ग्यारह कितना होता है, इक्कीस होता है, क्या इक्कीस होता है। अभी बाईस करना है तो यहाँ पर क्या रखें, एक रखेंगे, एक रखेंगे तो बाईस हो जाएगा, तो बाईस हमें यहाँ पर करना है, यहाँ पर हमें एक लाना है, क्या एक लाना है, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जिस लेवल का एग्जाम उसी लेवल से हमें सोचना है, इन्हें हमें सवाल एमटीएस देवा सोच लेगी यूपीएससी लेवल पे, तब तक हो ही ना पाए, समझ रहे ना। तो 95% फेल हुए होंगे और बताए भी होंगे बहुत सारे लोग, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इस प्रकार के सवाल हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। जय